आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th क्लास में ही पढ़े थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ए और एक्स कोफिशियंट बी और एक कांस्टेंट सी होता था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए सिद्धार्थाचार्य मेथड का यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, तो इसमें हम सिद्धार्थाचार्य मेथड का भी यूज कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस थ्री, इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ आई और रूट अंडर थ्री। ये हुआ एक्स की वैल्यू निकाला हमने। इसे दूसरा मेथड से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस वन माइनस इंटू आई स्क्वायर माइनस इंटू आई स्क्वायर इंटू थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या बोला, आई स्क्वायर का रिजल्ट तो माइनस वन होता है, आई स्क्वायर का रिजल्ट माइनस वन होता है, इसलिए माइनस वन और ये माइनस 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 प्लस बन जाएगा, तो हम इस प्लस की जगह पर माइनस आई स्क्वायर इंटू थ्री लिखा। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आई, तो थ्री और इस थ्री की जगह पर रूट अंडर ऑफ थ्री स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स माइनस रूट थ्री आई और इंटू एक्स प्लस रूट थ्री आई इक्वल टू जीरो। तो एक्स की दो वैल्यू मिल गया, एक ए फैक्टर जीरो होगा, एक बार ए फैक्टर जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू आई रूट थ्री, और दूसरा फैक्टर जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस आई रूट थ्री। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट थ्री। तो दूसरा मेथड से भी एक्स की वैल्यू निकाला। इस इक्वेशन में भी देखेंगे, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशियंट टू है तो ए इक्वल टू टू हो गया, और एक्स कोफिशियंट वन है तो बी इक्वल टू वन होगा, और कांस्टेंट सी है तो सी इक्वल टू भी वन होगा। तो सिद्धार्थाचार्य मेथड का यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए की जगह पर टू है और सी की जगह पर वन है डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो माइनस वन प्लस माइनस ए वन माइनस एट होगा, वन माइनस एट डेट इज अ माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर। तो इसे लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन, रूट सेवन और माइनस वन है तो माइनस ए आई बन जाएगा और रूट अंडर सेवन बाई फोर होगा। इस तरह से एक्स की वैल्यू हमें मिला। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, ए इक्वल टू वन और एक्स कोफिशिएंट थ्री है तो बी इक्वल टू थ्री और सी इक्वल टू नाइन होगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए वन और सी नाइन डिवाइडेड बाई टू ए ए वन हो गया। इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस थ्री प्लस माइनस ऑफ नाइन और नौ चौक छत्तीस डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस थ्री प्लस माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ट्वेंटी सेवन होगा माइनस ट्वेंटी सेवन बाई टू। तो माइनस थ्री प्लस माइनस आई रूट ऑफ 27 का स्क्वायर रूट थ्री रूट थ्री और डिवाइडेड बाई टू, तो ये रह गया एक्स की वैल्यू निकला। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी देखेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस वन है, बी इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू माइनस टू।
तो इसमें से देखेंगे एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए माइनस वन है और सी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ए, ए इज माइनस वन। तो इसमें माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए आ जाएगा वन माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस टू। तो माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस सेवन बाई माइनस टू, तो माइनस वन प्लस माइनस आई रूट अंडर ऑफ सेवन, ये आई रूट अंडर ऑफ सेवन बाई माइनस टू, इसमें से भी एक्स की वैल्यू मिला। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, तो ये इक्वल टू वन और बी इक्वल टू थ्री सी इक्वल टू फाइव। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइव फोर ए वन सी फाइव फोर 20 डिवाइड बाई टू ए, तो माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर ऑफ माइनस इलेवन बाई टू, तो माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव अंडर ऑफ इलेवन बाई टू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ वन है, तो ए इक्वल टू वन और बी एक्स की कोफिशिएंट माइनस वन है, तो बी इक्वल टू माइनस वन सी इक्वल टू टू। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए और सी टू होगा डिवाइड बाई टू ए। तो ए माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ वन और ए माइनस एट डिवाइडेड बाई टू हो गया, दैट इज वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस सेवन बाई टू, तो वन प्लस माइनस आई रूट सेवन बाई टू होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी देखेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू रूट टू है, बी इक्वल टू वन है, सी इक्वल टू रूट टू है। एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए रूट टू है और सी भी रूट टू है डिवाइड बाई टू ए। तो माइनस वन प्लस माइनस वन और माइनस फोर टू एट एट बाई टू रूट टू, तो ये माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस सेवन बाई टू रूट टू, तो माइनस वन प्लस माइनस आई रूट अंडर सेवन, आई रूट अंडर ऑफ सेवन। एक्स की वैल्यू मिला। फिर सिमिलरली एट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ए इक्वल टू रूट थ्री है, बी इक्वल टू माइनस रूट टू है और सी इक्वल टू थ्री रूट थ्री है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस बी तो माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो माइनस रूट टू स्क्वायर। माइनस फोर ए, ए की जगह पर तो रूट थ्री हो गया और सी की जगह पर थ्री रूट थ्री हो गया डिवाइडेड बाई टू ए। इसमें लिखेंगे हम लोग प्लस रूट टू प्लस माइनस रूट टू स्क्वायर इज टू माइनस फोर और फोर के चार के 12 और फिर अगेन थ्री बारे 36, तो टू रूट थ्री। तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट टू प्लस माइनस ए आई रूट अंडर ऑफ माइनस 32 होगा, ए माइनस 34 होगा, तो 34 यहाँ पर टू और माइनस 36 माइनस 34, तो 34 का स्क्वायर रूट, तो रूट 34 आई माइनस वन है तो इसके लिए आई हो जाएगा, तो टू रूट थ्री। तो ये एक्स की वैल्यू मिला, एक्स की वैल्यू इतना ही छोड़ सकते हैं। फिर नाइन नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रूट टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू रूट टू हो गया,
इक्वल टू बी रूट टू हो गया और सी इक्वल टू वन हो गया। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टू स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर रूट टू और सी वन डिवाइडेड बाय टू ए। तो माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट अंडर टू माइनस फोर रूट टू और डिवाइडेड बाय टू रूट टू। इसमें क्या करेंगे हम टू कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से टू कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस रूट टू माइनस प्लस टू, तो ये रूट टू आपके रूट के अंदर वन माइनस टू रूट टू, वन माइनस टू रूट टू बाई टू रूट टू। तो हम देख रहे हैं क्या सिंस वन माइनस टू रूट टू एक निगेटिव है तो टू रूट टू माइनस वन की वैल्यू रूट टू माइनस वन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर टू और रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट वन फोर वन माइनस वन कर लेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है। तो रूट के अंदर ए निगेटिव होगा इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे रूट टू कॉमन कर लेते हैं, रूट टू कॉमन कर लेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर और यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉमन करने के बाद टू रूट टू और माइनस वन आएगा डिवाइडेड बाय टू रूट टू, फिर रूट टू रूट टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर आप निगेटिव दिख रहा है तो रूट के अंदर निगेटिव को हम माइनस आई लिखेंगे, तो माइनस वन प्लस रूट अंडर ऑफ माइनस वन को आई लिखेंगे और आई टू रूट टू और माइनस वन और डिवाइडेड बाई टू, ये होगा नाइन नंबर का सोल्यूशन। फिर टेन नंबर को देखेंगे, टेन नंबर में रूट टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। इसमें भी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए रूट टू होगा और बी वन सी इक्वल टू रूट टू। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट टू इंटू रूट टू और डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ वन माइनस फोर टू जो एट डिवाइडेड बाई टू रूट टू। तो माइनस वन प्लस माइनस माइनस सेवन बाई टू रूट टू, तो दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आई रूट अंडर ऑफ सेवन बाई टू रूट टू। इस तरह से हमें टेन नंबर का सोल्यूशन हुआ। फाइव पॉइंट थ्री का सोल्यूशन कम्प्लीट हो गया।